नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए भगवान से भी दुआ करता रहता हूँ कि भगवान सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। हे भगवान, सबको सुखी रखना, सबको निरोग रखना। और इसीलिए मैं छोटे छोटे ये टोटके आपको नुस्खे बताया करता हूँ, जो कभी नानी दादी अजमाया करती थी, जो हमारे घरों में 24 घंटे रहते हैं, हमें बाजार भागने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही नुस्खा आज आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके पार्किंसंस रोग को भी दूर कर देगा। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनका पूरा शरीर यूं कांपता रहता है, और डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर कहेगा ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन है, आयुर्वेद में इसका इलाज है, 100% वो ठीक हो सकता है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको नर्वस सिस्टम जब गड़बड़ा जाता है, तो धीरे धीरे ये पार्किंसंस रोग हमारे शरीर में हो जाता है। और नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ही मैं एक नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको इसके साथ साथ मैं बहुत सी चीजें बताऊंगा। जो नुस्खा बता रहा हूं वो वाजीकारक भी है, बहुत अच्छा वाजीकरण है। आप खाएंगे तो घोड़े की तरह ताकतवर बन जाएंगे। शुक्राणु बढ़ाने के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। आप खाएंगे, मैं खाने का तरीका बताऊंगा, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये सब बताऊंगा। वीडियो स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं रवि गिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रवि गिरी बाबा का सच। दोस्तों, जिसने भी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देवें और ऑल पे क्लिक कर लेवें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही क्वालिटी वीडियो आप हमेशा देखते रहें। यही मेरी तमन्ना है कि आप स्वस्थ रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको बताने जा रहा हूँ आज के इससे क्या क्या रोग ठीक होते हैं, कैसे ठीक किए जा सकते हैं। और दोस्तों, ये ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है, आपको बताने जा रहा हूं। ये है कौंच के बीज। कौंच एक लता होती है, उसके फलियां लगती है और इतने बड़े बड़े मटर के दाने से बड़े बड़े बीज होते हैं उसमें। उसके ऊपर बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं, बारीक बारीक कांटे होते हैं। उनको थोड़ा सा ही टच करके दूसरी चमड़ी पे टच करा दिया, कहीं भी टच करा दिया, तो खुजली होनी इतनी शुरू हो जाएगी कि वहां से खुजा के दूसरी जगह खुजाओगे वहीं खुजली हो जाएगी, आगे खुजाओगे आगे खुजाओगे आगे खुजाओगे, 1 घंटा में पूरा शरीर में खुजली फैल जाती है। ऐसी उसके अंदर एक खतरनाक चीज भी होती है। तो उन फलियों को तोड़ के उनमें से जो बीज निकाले जाते हैं, कौंच के बीज, आप वो ले आइए। आपको पंसारी की दुकान पे जाना होगा, कौंच के बीज लाने होंगे और उनको फिर साफ करना होता है। अगर नहीं साफ करें तो ये भी जहरीले होते हैं, एक प्रकार से हमारे शरीर में सीधे अगर हमने ला के पीस के खा लिया तो जहर फैला देगा हमारे शरीर में, बहुत सी बीमारियां हमारी फैल जाएगी, खाज खुजली तो बहुत पहले हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने 250 ग्राम बीज ले लिए, तो उसको रात को किसी बर्तन में भिगो के छोड़ दीजिए, पूरे 24 घंटे के लिए भीगने दीजिए। पूरे 24 घंटे भीगने के बाद में ये थोड़े नरम पड़ जाएंगे, उसके बाद में आपको वो पानी बदल लेना है, साफ पानी डालकर उसमें बीज डालकर और 5 मिनट के लिए आप बॉईल कर लीजिए, फिर वो पानी निकाल दीजिए। अब आपके पास में बीज रह गए हैं और इसका छिलका, जैसे बादाम का छिलका उतारते हैं ना, वैसे ही इसका पूरा का पूरा छिलका उतार लेना है। पूरा छिलका उतारने के बाद में आपके ये काम की चीज बन गई है। अब आप इसको, गर्मी का टाइम है तो 3 दिन और अभी सर्दियों का टाइम है तो 6-7 दिन लग सकते हैं सुखाने में, तो आप इसको धूप में अच्छी तरह सुखाइए। जब ये एकदम ड्राई हो जाए, पूरा ड्राई हो जाए, एकदम सूखा हो जाए, तो आप मामदस्ते में भी इसको कूट सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसका एकदम से पाउडर बना लेना है। इसका पाउडर बनाने के बाद में इसमें बराबर की मात्रा की चीनी मिला दोगे, क्योंकि जब 250 ग्राम लोगे ना, तो उसमें 50 ग्राम वो छिलके निकल जाएंगे,
200 ग्राम ही बचेगा आपके पास में। तो 200 ग्राम में 200 ग्राम आप जो धागे वाली मिश्री होती है जिसके अंदर धागा होता है वो सबसे अच्छी मिश्री होती है, उस मिश्री को बराबर की मात्रा में मिला लेवें, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को। सुबह आपको नाश्ता करने के बाद में लेना है और शाम को खाना खाने के बाद में सोते वक्त लेना है। आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को आप हल्के गुनगुने दूध के साथ में लेंगे तो आपका एक नहीं कई रोग आपके हाथों हाथ ठीक हो जाएंगे। जो ये पार्किंसंस रोग होता है जिससे पूरा शरीर कांपने लग जाता है, ये रोग भी ठीक होगा, आपका पूरा नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ठीक कर देगा और आपके अंदर मर्दाना ताकत भी भर देगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी आपके अंदर, खूब ताकतवर हो जाएंगे आप। आपके अगर शुक्राणुओं की कमी है, डॉक्टर ने जांच करा और कह दिया कि शुक्राणुओं की कमी है भाई, तो शुक्राणुओं की कमी भी ये 1 महीने के अंदर अंदर पूरी कर देगा। तो दोस्तों किसको नहीं लेना है ये भी आपको बता रहा हूं कि किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये जो छोटे बच्चे हैं वीडियो देख लेते हैं छोटे बच्चे भी, और जाने अनजाने में ऐसे नुस्खे आजमाते रहते हैं लेकिन इनको पता नहीं होता कि 21 साल से पहले, 21 साल से छोटी उम्र का कोई बच्चा इसको लेगा तो उसके कई रोग लग जाएंगे। 21 साल से छोटे बच्चे को नहीं लेना है। कोई भी माता बहन गर्भवती है उसको कौंच के बीज नहीं लेने हैं। जो माता बहन किसी छोटे बच्चे को दूध पिलाने वाली है, जो बच्चों को दूध पिलाती है, वो माता भी कौंच के बीज ना ले। बाकी किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आप खुले दिल से लीजिए, सुबह लीजिए शाम को लीजिए, दूध के साथ में लीजिए और फिर देखिए कि ताकत का कितना बड़ा खजाना आपके अंदर आ गया है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।